सभी सब कुछ कनेक्ट हो चुका है। मेरे इससे मेरे पर्सनल वाले से भी शेयर करना है ताकि बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं तो उससे जो है साथियों मैं प्रशांत कुमार पंकज राष्ट्रीय सचिव युवा जदयू उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के आप सभी माता बहनों हमारे पिता तुल अभिभावकों एवं साथियों के बीच आज पुनः आया हूं। साथियों चुनाव आ गया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दे दिया कि कोरोना के कारण चुनाव को नहीं रोका जा सकता, लेकिन आप यहां पे विपक्ष का हाल देखिए। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था चुनाव आयोग से कि चुनाव को रद्द किया जाए। ये विपक्ष कितना हताश है, निराश है, आप समझ सकते हैं। विपक्ष के सभी लोगों को यहां की संवैधानिक संस्थाओं पे कोई भरोसा नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था चुनाव होगा नहीं होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सरकार का काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग तय समय पे चुनाव चाहती थी, लेकिन विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी आया। अब समय पे चुनाव होना तय है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से हम तो मानते हैं कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया है और ये यहां के विपक्ष की पहली हार है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विपक्ष के हार की शुरुआत है। आज ये सुप्रीम कोर्ट में हारे हैं, आप विश्वास रखिए कि ये आने वाले चुनाव में बुरी तरीके से इनको हार का सामना करना पड़ेगा। साथियों हमारा जो गठबंधन है यहां पे कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। मैं कल ही दिल्ली से आया हूं, यहां पे बहुत ही मजबूत गठबंधन जो लगातार चल रहा है माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आगे भी गठबंधन चलता रहेगा और पूरी एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव में आ रहे हैं। मैं सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, हमारे पिता तुल अभिभावक लोजपा के वरिष्ठ नेता पशुपति कुमार पारस जी एवं ऊर्जावान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, इन सभी को धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों के कुशल नेतृत्व में बिहार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास की रफ्तार बढ़ी है। साथियों हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इतनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं जिसे सिर्फ देश के ही लोग नहीं पूरी दुनिया सराह रही है। एक विश्व गुरु के रूप में अपने देश को आगे उभार रहे हैं। अभी जो कोरोना का संकट है
इस कोरोना के संकट में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार शोध कार्य करवाए जा रहे थे। 3 कंपनियों को यहां पे शोध कार्य के लिए दिया गया और हमें हर्ष है ये बताते हुए भी कि ये जो टेस्टिंग हो रहा है ये अंतिम दौर में है। बहुत जल्द भारतीय बाजार में कोरोना का वैक्सीन आने वाला है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। साथियों, अभी जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, इस कोरोना काल में भी पूरी दुनिया इस संकट से गुजर रहा था। खाने के लिए अनाज की भी कमी थी, लेकिन हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने हर एक परिवार जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं सभी को राशन कार्ड पहुंचाने का काम किया। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं बने हुए थे उन सभी लोगों को लाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा किसी भी लोग को हम किसी भी हालत में भूखे मरने नहीं देंगे। लगातार हम लोग का सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, हमारी पार्टी पूरे कोरोना काल में भी लोगों के बीच लोगों के साथ संघर्ष करती रही, उनके हर सुख में दुख में साथ में रही, युद्ध स्तर पे काम किए गए। अभी पार्टी के द्वारा जो संगठन के काम के लिए बोले गए थे करीब 24,000 लोगों को पार्टी के बिल्डिंग से जोड़ा गया। यहां पे बहुत ही मजबूत संगठन तैयार हुआ है। ये तो सिर्फ जदयू का संगठन है, साथ ही साथ भाजपा के उन तमाम साथियों को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी जदयू के साथ साथ भाजपा का भी संगठन काफी मजबूत है इस उजियारपुर में, लोजपा का भी संगठन काफी मजबूत है इस उजियारपुर में। इन तीनों पार्टियों के संगठन के बल पे एक बहुत ही जीत की ओर, बड़ी जीत की ओर उजियारपुर विधानसभा अग्रसर है। हमें विश्वास है कि जो भी एनडीए के यहां पे उम्मीदवार आएंगे भारी बहुमत से यहां जीतेंगे। हम सभी कार्यकर्ता, हम हैं, आप हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं, जो किए गए हैं, उनको घर घर तक पहुंचाइए। इतने सारे कार्य किए गए हैं, आप घर घर तक पहुंचाएंगे तो इतनी ज्यादा वोट मिलेगी जिसका अनुमान आप लगा नहीं सकते हैं। लगातार हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हमारे कार्य को घर घर तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने 5 सालों का जो कार्यकाल था बहुत ही जबरदस्त और सराहनीय रहा है। उनका जो कार्य था वो कर चुके, अब हम सभी कार्यकर्ता, हम और आप, हम सभी की जिम्मेवारी है कि उनके विकास योजनाओं को, उनके कार्य को घर घर तक पहुंचाएं। तभी जाकर के ये सारे लोग घर से निकलेंगे, बूथों तक आएंगे, वोट गिराएंगे और पुनः एनडीए के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। साथियों, जो इसके पहले शासन था आप तुलना कर लीजिए, उस शासनकाल में बिहार का विकास ग्रोथ रेट जो था वो कितना था, और अभी जो विकास ग्रोथ रेट है वो पूरे देश के ग्रोथ रेट से ज्यादा अपना बिहार का ग्रोथ रेट है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री
श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। क्या हाल था बिजली का उस समय में, गांव में घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी। जब हम ही बाहर रहते थे बिजली के कारण गांव आना पसंद नहीं करते थे। अभी देखिए 24 घंटे में 20 घंटे बिजली रह रही है। बहुत सारे कार्य किए गए, महिलाओं के लिए कार्य किया गया, बच्चियों के लिए काम किया गया। कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा जात नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं, सभी के लिए काम किया गया। अब समय आ गया है जो लोग काम किए हैं खुद सहित उनको वापस होना चाहिए। अगर वो विकास इतनी तेजी से पूरे बिहार में किए हैं तो ये हम सभी का धन बनता है, हम सभी कार्यकर्ताओं का धन बनता है कि हम मुख्यमंत्री को सूद सहित वापस करें। ये सूद सहित वापस कैसे होगा? अगर पिछले बार 2015 में उजियारपुर में जीत अगर 48,000 वोट से हुई थी, इस बार हम लोग शपथ लें कम से कम 1,00,000 हम सभी कार्यकर्ता मिलके एनडीए के कैंडिडेट को जिताएंगे। साथियों, लगातार कोरोना काल में जब से फर्स्ट लॉकडाउन हुआ हम लोगों के बीच में है, ठीक अगले ही दिन से हम लोगों के बीच में गए, हर पंचायत हर टोला हर घर तक पहुंचने का काम किए हम। उस समय लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, न कोई कार्यकर्ता न कोई एक नेता कोई भी रोड पे निकल नहीं रहा। उस बीच में हम लोगों के बीच में गए, बहुत सारे चीज अनुभव हुए हमें। उनके दुख को देखने के बाद हमें लगा कि नहीं, हर हालत में किसी भी कीमत पे इन लोगों का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। जब भी जरूरत होगी हम इन लोगों के बीच में रहेंगे, मदद करने के लिए इनके बीच में रहेंगे। बहुत सारे जो कार्य यहां पे होने हैं जो हमने सोचा है कि इस तरीके से करना है, पिछले 5 सालों में पूरे बिहार में विकास हुआ, लेकिन उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या हुआ? लोग बोलते हैं जो विधायक जी के तो फोन करे छे तो फोन उठेबे नहीं करे, आप फोन उठा ले लेकिन अब बात कर ले लेकिन तो उनका से तो काम होबे नहीं करे। फोनो करे हथिन कोई अधिकारी के तो कुन्ने कोई सुने है ना काम करे। तो भाइयों, ऐसा विधायक नहीं चाहिए, भी तो काम नहीं हो। विधायक ऐसा चुनिए कि डंके की चोट पे प्रशासन के हर एक लोग काम करने के लिए तैयार रहें, 24 घंटा काम करने के लिए तैयार रहें। आप सभी को हम आश्वस्त करते हैं, मंत्री हमारे अभिभावक पशुपति कुमार पारस जी, सुशील कुमार मोदी जी और नित्यानंद राय जी, इन सभी का आशीर्वाद हमें मिला तो एक बेहतरीन और विकसित उजियारपुर हम बनाएंगे। इसमें आप सभी लोगों का साथ चाहिए। सभी लोग जो बाजार समिति बनाएंगे, एक बेहतरीन बाजार समिति जहां पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, कोल्ड स्टोरेज है, उस सभी का एक बड़ा सा चयन होगा, उसकी स्थापना हम करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां है, मेडिसिन कंपनी है, जो अपने उजियारपुर में लगाना चाहती है, अपना उद्योग बैठाना, हमारी कोशिश होगी
और निश्चित रूप से उन सभी कंपनियों को हम यहां पे लाने का काम करेंगे। उजियारपुर में देवखाल चौर है, हमने मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी की थी और एक शिष्टमंडल एनडीए का शिष्टमंडल, इसमें जदयू के लोग भी होंगे, बीजेपी के भी लोग होंगे, लोजपा के भी लोग होंगे, हम लोग मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री से और इस देवखाल चौर में एक बड़ा कृषि विश्वविद्यालय और मत्स्य शोध केंद्र उसकी स्थापना करेंगे। महिलाओं के लिए यहां पे अलग थाना नहीं है, महिलाओं के लिए एक महिला थाना की स्थापना हम दलसिंहसराय में करेंगे। दलसिंहसराय शहर में कोई भी टाउन हॉल नहीं, जमीन की व्यवस्था कर एक टाउन हॉल जो यहां के सभी शहर के लोगों का एक सपना है उसको बनाकर उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। बच्चियों के लिए एक कॉलेज और स्कूल की स्थापना करेंगे, जो हमारे प्यारे छात्र हैं उन सभी छात्रों के लिए, जो हमारे 39 पंचायत हैं सभी पंचायतों में वाईफाई सेंटर खोलेंगे, उस सेंटर पे जाके बच्चे छात्र पढ़ सकते हैं, कोई चीज डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे काम हैं जो हमें करने हैं। आप सभी का आशीर्वाद मिला, आप सभी का सहयोग मिला, तो निश्चित रूप से इन सारे कार्य को हम पूरा करेंगे। साथियों, मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए, बहुत सारे कार्य जो भी करने हैं। उजियारपुर अभी तक उस विकास को छू नहीं पाया है और अधूरा रहा है। उन सभी कार्यों को आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग मिला तो हम निश्चित रूप से पूरा करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि एनडीए जो एक मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः उनकी सरकार बनानी है और ये जो हताश निराश विपक्ष है 2015 में जितनी सीट पे आई थी, 2010 में जो जितनी सीट पे थे उनकी संख्या को और कम करना है। इसी प्रण के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ, क्योंकि कोरोना का समय है, अभी भी कोरोना हम लोगों से दूर गया नहीं है, दूर भगाने का काम सरकार वो तेजी से कर रही है, लेकिन अनावश्यक घर से न निकले, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग इस फेसबुक लाइव से जुड़े उन सारे लोग को, उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।